नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं NHR न्यूज। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि नेपाल ने इस मुश्किल घड़ी में भारत की एक बहुत बड़ी मदद की है और नेपाल से आयातित टमाटर यूपी में 70 रुपए किलो बिकने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि नेपाल अब भारत को कितने टमाटर भेज चुका है और भारत के कौन कौन से इलाकों में टमाटर का रेट सस्ता हो चुका है। सहकारी NCCF के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि नेपाल से आयातित लगभग 10 टन टमाटर पारंगन में है और सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश में 70 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर वितरित किए जा रहे हैं और NCCF ने दिल्ली, NCR, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 9,38,862 किलोग्राम टमाटर बेचे हैं। और ये पहली बार है कि भारत उच्च खुदरा कीमतों के कारण टमाटर का आयात कर रहा है, जो भारी बारिश के कारण आपूर्ति में व्यवधान के बीच शुक्रवार को 242 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका था। और नेपाल ने भारत की इस मुश्किल घड़ी में एक बड़ी मदद की है। स्वतंत्रता दिवस से पहले NCCF ने कहा कि वह 12 और 13 अगस्त को दिल्ली NCR में टमाटर की एक मेगा बिक्री का आयोजन करने वाला है और NCF वेन दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 15 चयनित स्थानों पर चलने वाला है। और नेपाल ने भारत की मदद करे फिर से दी एक बहुत बड़ी दोस्ती की मिसाल है। हमारी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुँच सके।